गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेजर। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेजर इज अ बुक आफ्टर जर्नल। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स। It means that all the transactions are classified at one place and that one place is known as ledger. सारी की सारी जो business transactions हैं, जो same nature transaction हैं, वो सारी की एक place पे together at one place, that is known as ledger. Ledger में क्या maintain करते हैं? Accounts maintain करते हैं। किसके accounts? Personal account, real account, nominal account. All types of accounts are maintained under the ledger, right? इन एक्चुअल इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाउंड रजिस्टर, रजिस्टर फॉर्म में हो सकता है, कार्ड्स हो सकती हैं, हर अकाउंट का डिफरेंट कार्ड हो, और पांच शीट हो सकती है, एवरी शीट फॉर द डिफरेंट अकाउंट, राइट। ईच अकाउंट इन द लेजर इज ओपन प्रेफरेबली ऑन अ सेपरेट पेज और अ सेपरेट कार्ड, ठीक है, एक पेज पे कॉन्टिन्यूसली नहीं चलते। वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, लेजर क्यों इम्पोर्टेंट है? How much amount is due from customer? एक customer से कितना लेना है? How much has to pay to supplier? Supplier को कितना देना है? Purchases क्या है? Sale क्या है? Expenditure जो हम कर रहे हैं, the amount spent on each head of expenditure, salaries कितनी है, wages कितनी है, stock का क्या balance है, opening stock क्या है, closing stock क्या है, purchase return, sale return, जितनी भी transactions business में हो रही है, उन सब का जो बैलेंस है वो हमें कहाँ से जज होगा? दैट इज फ्रॉम द लेजर। लेजर के बेस पे जब आपने लेजर, आप लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, एक तो आपको यू विल गेट द नॉलेज कि हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे, वी हैव टू रिसीव, व्हाट आर द डिफरेंट हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड द स्टॉक, राइट। ऑल दिस नॉलेज इज प्रोवाइडेड बाय द लेजर। लेजर के बेस पे बेटे, लेजर पहले आप जर्नल प्रिपेयर करते हो, जर्नल के बाद आपका आ जाएगा लेजर। लेजर से जो बैलेंसेस आएंगे, उस बैलेंसेस से आप क्या प्रिपेयर करोगे? ट्रायल बैलेंस। इफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल, इट मीन्स दैट द लेजर इन जनरल इज ओके, राइट, राइट है वो। आप ट्रायल बैलेंस से आपके आप क्या प्रिपेयर करोगे? यू वॉन्ट टू चेक द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, देन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। दिस विल बी प्रिपेयर बाय टेकिंग द बैलेंसेज फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस इज टेकिंग द बैलेंसेज फ्रॉम द लेजर, राइट। इट मीन्स दैट लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एंटरप्राइज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लेजर वी विल बी एबल टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, राइट। नोट डाउन दिस सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। हरी अप, बच्चे नाउ परफॉर्म अ ऑफ लेजर। हाउ वी विल ओपन आर अकाउंट? नेम ऑफ अकाउंट, फर्स्टली वी हैव टू मेंशन नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अर्लियर आई टोल्ड यू इन द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, टी शेप अकाउंट, ये आपने सेंटर में से इसको टी शेप कर दिया। ऑन द डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो नंबर, कि जर्नल के किस पेज पे ये एंट्री है, अमाउंट। क्रेडिट साइड अगेन, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट, राइट। तो दिस इज द परफॉर्मर ऑफ लेजर। नाउ रूल ऑफ पोस्टिंग, जर्नल में क्या होता है? रिकॉर्डिंग, और लेजर में क्या करते हो? आप उसको पोस्ट करते हो। तो पोस्टिंग इज द रूल ऑफ लेजर। अगेन आई एम टेलिंग यू, जर्नल में आप ट्रांजेक्शन को क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो, और लेजर के अंदर क्या करते हो बेटा? पोस्ट करते हो। तो रूल ऑफ पोस्टिंग, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। सपोज दिस इज द कैश अकाउंट, तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है दैट विल कम अंडर द कैश अकाउंट। सपोज दिस इज द सेल्स अकाउंट, तो ऑल सेल्स ट्रांजेक्शन विल कम अंडर द सेल्स अकाउंट, राइट। डेबिट साइड यू विल यूज टू वर्ड विद एवरी अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड
you will use by word with every account. If an account is debited in journal, अगर जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट है, पोस्टिंग इन लेजर शुड बी मेड ऑन द डेबिट साइड. जो चीज जर्नल एंट्री में डेबिट है वो लेजर की डेबिट साइड में जाएगी, जो चीज जर्नल एंट्री में क्रेडिट है वो लेजर की क्रेडिट साइड में जाएगी, और नेम जो पर्टिकुलर के कॉलम में आप नेम लिखोगे दैट विल बी ऑफ अनदर अकाउंट. अगर सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में उतना अमाउंट जाएगा, और नेम किसका जाएगा पर्टिकुलर कॉलम में, अनदर अकाउंट. अनदर अकाउंट क्या है, सपोज सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट. दैट वी विल डू इन वन प्रैक्टिस इन द परफॉर्मा, सो दैट दिस थिंग दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू. इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट अकाउंट वर्ड आफ्टर पर्सनल अकाउंट. जैसे सपोज मोहन, तो जरूरी नहीं है मोहन अकाउंट लिखेंगे, राइट. पर्सनल अकाउंट के बाद अकाउंट वर्ड डालना जरूरी नहीं है. अगर डालना है तो आप पोस्ट ऑफिस एस लगा के डालोगे, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द जर्नल, राइट. अब वी विल टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ऑन 1st April 2019 देयर इज अ जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश सेल्स आर देयर, कैश सेल्स देयर है तो एंट्री क्या बनेगी, व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ अकाउंट सपोज हियर, नेम ऑफ अकाउंट इज कैश अकाउंट. नेम ऑफ अकाउंट इज कैश अकाउंट. एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट. जनरल में डेबिट क्या है, इफ एन अकाउंट इज डेबिटेड इन जनरल कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट की कौन सी साइड पे जाएंगे, साइड कौन सी कंसिडर करेंगे, जो अकाउंट जनरल में डेबिट है तो डेबिट साइड कंसिडर करेंगे. कैश अकाउंट की डेबिट साइड में सपोज कैश अकाउंट डेबिटेड 2000, तो कैश के आगे सपोज 2000 रुपीज अमाउंट है यहाँ, और सेल्स के आगे भी 2000, तो कैश डेबिट हमने कैश अकाउंट की डेबिट साइड कितना अमाउंट है 2000, वी विल पुट हियर 2000. और इन पर्टिकुलर कॉलम हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नेम किसका लिखेंगे, अनदर पार्ट अकाउंट का जो क्रेडिट साइड में, टू सेल्स अकाउंट, डेट 1st April 2019. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड देंगे, नेम किसका आएगा, अनदर साइड का, टू सेल्स, टू सेल्स. अमाउंट किसका आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट के सामने 2000 है, 2000 रुपीज. दिस इज नोन एज पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ये सिंपल ट्रांजेक्शन मैंने आपको पोस्ट करके बताई है, और इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट द अकाउंट बट विद द पर्सनल अकाउंट. नोट डाउन दिस सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. हरियर of compound entry. When in journal entry two or more account are debited, only one account is credited, or vice versa. या तो दो टू और मोर अकाउंट डेबिट है और एक अकाउंट क्रेडिट है, वाइस वर्सा एक अकाउंट डेबिट है टू और मोर अकाउंट क्रेडिट है, then the entry is termed as compound journal entry. For example, 10 April 2017 cash received from गोपाल एंड कंपनी इज रूपीज 14,800 एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम इज रूपीज 200. नाउ कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अलाउड बेटे एक्सपेंस से डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू गोपाल एंड कंपनी 15,000, राइट. नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड. फर्स्ट आपने अकाउंट ओपन किया कैश अकाउंट, थ्री अकाउंट विल बी हियर, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड गोपाल एंड कंपनी अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में गए बेटे 1st April 2019, कैश अकाउंट डेबिट साइड में नेम किसका आएगा, गोपाल एंड कंपनी का, और अमाउंट कौन सा आएगा जो कैश के सामने है 14,800. फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में गए 1st April 2019, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड में नेम क्रेडिट पार्टी गोपाल एंड कंपनी, और अमाउंट डिस्काउंट अलाउड के आगे कितना था 200. अब गोपाल एंड कंपनी 2 है, क्रेडिट है, तो गोपाल एंड कंपनी की क्रेडिट साइड में नेम किसका आएगा, कैश एंड डिस्काउंट अलाउड, बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 14,800 एंड 200, टोटल कितना है 15,000. आप देखो यहाँ पर कितना अमाउंट है क्रेडिट साइड में 15,000.
दिस इज द पोस्टिंग ऑफ द कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री मीन्स वेन टू और मोर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वन इज क्रेडिटेड, और वन इज डेबिटेड टू और मोर विल बी क्रेडिटेड, राइट. देन यू हैव टू मेंटेन थ्री अकाउंट एट ए टाइम एंड यू हैव टू पोस्ट ऑन द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट. नोट डाउन दिस सो दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. हरिओम. Nowadays, before starting the numerical, we will discuss one more point, closing and balancing of accounts, right? After understanding this topic of closing and balancing of accounts, we will do three types of numerical: simple journal entry, how to open the account, how to post the journal entry in the ledger with the balancing and totaling, right? Second, from cash book or subsidiary book, how to post in the account, right? So, first of all, you have to be consider here closing and balancing of accounts. Balancing of accounts क्या होता है? Total of debit and credit side of account. आपने debit side का और credit side का total करना है. If debit side exceeds the credit, debit में amount ज्यादा और credit में कम है, the balance is called debit balance. And if credit side exceeds the debit, the balance is called credit balance. जो side exceed करेगी आप उस balance को वो name दोगे, राइट. इफ डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट, अगर डेबिट साइड एक्सीड कर दिया, डेबिट साइड में सपोज 2,50,000 है एंड क्रेडिट साइड में 2,00,000 है, तो डेबिट साइड एक्सीड कर रही है क्रेडिट से, बैलेंस कितना आ गया 50,000. इस बैलेंस को आप क्या नेम देंगे? दिस बैलेंस इज नोन एज डेबिट बैलेंस एंड वाइस वर्सा, राइट. नाउ ये तो क्या बैलेंसिंग, डिफरेंस अमाउंट निकालना. क्लोजिंग ऑफ अकाउंट. Closing of account will be according to the nature of account. First of all, we will do closing of personal account. Debit side क्या show करती है personal account की? Amount owing from customer, कितना पैसा लेना है. Credit side amount owing to supplier, कितना पैसा देना है, right? If debit side exceeds balance amount मतलब difference amount of debit and credit side, will insert on the credit side. Debit side 2,50,000 है, क्रेडिट 2,00,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो जितना डिफरेंस होगा वो कहाँ शो करेंगे? इंसर्ट का मतलब शो कहाँ करेंगे आप? शो उस अमाउंट को कहाँ करेंगे आप? क्रेडिट साइड में, जिस साइड में शॉर्टेज है, राइट. और बट उस बैलेंस का नाम क्या होगा? उस बैलेंस को आप कहेंगे दिस इज द डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड एक्सीड कर रही है. बाय बैलेंस कैरी डाउन से आप उसको शो करेंगे इन द नेक्स्ट फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड, जो उस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ आएगा, वही जो बैलेंस कैरी डाउन है उसी बैलेंस को आप क्या कर दोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वी विल टेक वन एग्जांपल, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, यू नो द फॉर्मेट. फॉर एग्जांपल, ओनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ₹2,00,000, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट. टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट डेट विल बी हियर सपोज 2,00,000, राइट. तो क्रेडिट साइड में 2,00,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है. फॉलो माय पॉइंट. क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो इस बैलेंस का नाम क्या होगा? व्हाट वी विल कॉल दिस बैलेंस? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस एंड इट विल बी शोन ऑन टू बैलेंस कैरिड डाउन ₹2,00,000 31 मार्च 2020, और ये टोटल हो जाएगा 2,00,000. अब मार्च के बाद, सॉरी 30th April 2019 मंथली बैलेंस, नॉट ईयरली, 1st April, 30th April. अब मई आ गया, 1st May 2019, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है दिस विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,00,000. फॉलो माय पॉइंट. डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे. जो साइड एक्सीड कर रही है वो बैलेंस का नेम होगा और शो होगा ऑपोजिट साइड पे. एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड, तो दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन 2,00,000, और नेक्स्ट मंथ में आप इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे. सेम अगर डेबिट एक्सीड कर रही होती तो हम सीडी कैरी डाउन बैलेंस को क्रेडिट साइड पे शो करते हैं और ब्रॉट डाउन बैलेंस को डेबिट साइड पे शो करते हैं. तो दिस इज द बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट. फॉलो माय पॉइंट.
This is the balancing and closing of personal account. Note down this so that we will discuss closing of real account and nominal account. Hurry up, bachche. For example, furniture purchase. Furniture is asset, right? Closing of real account. Real account bhi kya aayega? Cash account and all assets. Method of closing of real account is same as personal account. For example, furniture purchase for rupees 2 lakh on 1st April 2019. What comes in? Furniture comes in. What goes out? Cash goes out. Furniture account debit to cash account 2 lakh 2 lakh. Furniture account ki debit side mein to cash account 1st April 2019 rupees 2 lakh. अब डेबिट साइड में 2 लाख है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है. तो 30th अप्रैल 2019 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख. क्रेडिट साइड में शो किया और नेम क्या है इस बैलेंस का? डेबिट बैलेंस. क्यों? क्योंकि डेबिट साइड एक्सीड कर रही है. अब बेटा 1 मई 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 lakh. See, same as we do the balancing and closing in personal account, same way we are doing in the real account. Note down this so that we will discuss closing of nominal account. This is the last step. After this, we will do numerical portion. Hurry up, bachche. Now we will discuss closing of nominal account. Nominal accounts relating to expense and income of the firm. These accounts do not require balancing. Balance करना ये नहीं है, सिर्फ posting करनी है. Main purpose of opening of nominal accounts is to ascertain net profit or loss of the firm. All such accounts are transferred to trading profit and loss account of the firm at the end of financial year, right? Accounts relating to the goods, purchase account, purchase return account, sale return account, stock account are not balanced. Inko balance nahin karna. These accounts are closed by transferring them to the trading account. Jitne bhi humare goods ke account hai, inko aap kaise close karoge? Inka jo bhi aapke closing hogi, wo by trading account ya to trading account mein hogi bete. Aur kisi account ke andar ye transfer nahin honge. Aur nominal account ko hum balance nahin karte. Follow my point? पर्सनल और रियल अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट? बट हम नॉमिनल अकाउंट को बैलेंसिंग नहीं करेंगे और जितने भी आपके गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होंगे. फॉलो माय पॉइंट. एंड आफ्टर दिस देयर इज अ लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर रिगार्डिंग ओपनिंग एंट्री. जब आप ईयर स्टार्ट करती है, ईयर की बुक स्टार्ट करती है, तो आप एसेट्स और लाइबिलिटीज की ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं, सॉरी रिकॉर्ड करते हैं. ओपनिंग एंट्री यू आर वेरी वेल अवेयर इन द जर्नल यू डिड द ओपनिंग एंट्री, राइट? जब ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करनी है, सारे एसेट्स जो ओपनिंग एंट्री में है वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से आएंगे और सारी लाइबिलिटीज जो ओपनिंग एंट्रीज में है वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से आएंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, you very well aware about opening entry, that is the first entry in the beginning of the financial year, right? Opening entry mein all asset accounts will post as to balance brought down and all the liabilities by balance brought down. All these are the discussions of the ledger, how to post the entry, simple entry, compound entry, how to balance the personal, real and nominal account, how to close the personal, real and nominal account, and how to treat the opening entry by two balance brought down or by balance brought down, two balance brought down for assets and by balance brought down for liabilities, right? After this discussion, we will start the numerical portion. We will take the one complete numerical and we will solve it on the blackboard so that every doubt will be clear in your mind. ओके बच्चे, थैंक यू. इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो. ओके बेटा.